मी भाग्यश्री ढोंगे, वीकेबी न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत करते. बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. नागपूरची दिशा पाटील ठरली 2022 फेमिना मिस इंडिया. राष्ट्रीय स्तरावरील सौंदर्य स्पर्धेमध्ये मिळवला सरळ प्रवेश. नागपुरात ओळखीचा फायदा घेऊन बलात्कार करणाऱ्या आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल. आरोपीने पीडित महिलेला घरी बोलवून केला अत्याचार. नागपुरातील अभिद्ध रुग्णालयात ऍडव्हान्स लेझर लाईट उपचार सुरू. कमीत कमी खर्चात ऍडव्हान्स लेझर लाईट उपचार उपलब्ध. ठळक घडामोडीनंतर आता सविस्तर वृत्त. फेमिना मिस इंडिया या सौंदर्य स्पर्धेमध्ये नागपूरची दिशा पाटील ही फेमिना मिस इंडिया ठरली आहे. फेमिना मिस इंडिया महाराष्ट्र 2022 जगतामध्ये अतिशय प्रतिष्ठेची समजली जाणारी सौंदर्य स्पर्धा आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्यातून सौंदर्यवती निवडल्या जातात व त्यानंतर मुख्य स्पर्धा राष्ट्रीय पातळीवर होते. या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्र राज्यातून पहिली सौंदर्यवती नागपूरची दिशा पाटील ठरली आहे. दिशा पाटील फेमिना मिस इंडिया महाराष्ट्र 2022 झाल्यामुळे तिला फेमिना मिस इंडिया या राष्ट्रीय स्तरावरील सौंदर्य स्पर्धेमध्ये सरळ प्रवेश मिळाला आहे. सर्व राज्यातून प्रत्येकी एक, अशा प्रकारे एकूण 31 सौंदर्यवती आता फेमिना मिस इंडिया 2022 या मुख्य स्पर्धेसाठी पात्र असतील. दिशा पाटील ही नागपूरच्या मनोरमाबाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर ची अंतिम वर्षाची विद्यार्थिनी आहे. शिक्षणासोबतच मॉडेलिंग व टीव्ही मधील जाहिरातींमध्ये सध्या ती काम करते. लहानपणापासूनच मॉडेलिंग व सौंदर्य स्पर्धेची आवड असणाऱ्या दिशाने यापूर्वी अनेक सौंदर्य स्पर्धेमध्ये बक्षिसे मिळवलेली आहेत. ओप्पो मोबाईल सौंदर्य स्पर्धा, सेंट्रल मॉल सौंदर्य स्पर्धा, तसेच श्रावण क्वीन 2018 मुकुट सुद्धा तिला मिळालेला आहे. दिशाचे वडील श्री किशोर पाटील हे पटबंधारे विभागात इंजिनियर या पदावर कार्यरत असून तिची आई सौ धनश्री पाटील या प्रसिद्ध कवयित्री व गझलकार आहेत. भविष्यात अभिनय व मॉडेलिंग करायचे असल्यामुळे त्या दृष्टीने तिचे प्रयत्न सुरू आहेत. आय रिप्रेझेंटेड महाराष्ट्र ऍट मिस इंडिया दिस इयर. मिस इंडिया इंडियाची सबसे बड़ी कॉम्पिटिशन आहे. फेमिना मिस इंडिया का जो विनर होता है वो मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है एंड विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म. हमने जो विनर्स देखे इंडिया से जैसे प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, ऑल दीज वर अ पार्ट ऑफ मिस इंडिया एंड दे वेंट फॉर मिस वर्ल्ड एंड दे वर द विनर्स ऑफ मिस वर्ल्ड. तो उन लोगों ने इंडिया का बहुत नाम ऊंचा किया है. वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम. सो आई हैड इंस्पिरेशन फ्रॉम ऐश्वर्या राय. आई ऑलवेज वांटेड टू बी देयर. इसलिए मैं फेमिना मिस इंडिया में मैंने पार्टिसिपेट किया और इसी के साथ आई वाज इन टॉप 10 फॉर मिस इंडिया दिस ईयर एंड आई एम जस्ट लाइक माई जर्नी इज एंडेड हियर बट आई एम ट्राइंग टू गो अहेड. 31 कंटेस्टेंट्स थे फ्रॉम 31 स्टेट्स ऑफ इंडिया. एवरी स्टेट हैज अ रिप्रेजेंटेटिव. सो जैसे मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही थी, हर एक स्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव था. जैसे मिस राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश. सो उन सबसे मतलब एक मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था कि मैं इंडिया के हर एक कोने कोने में से जो लड़के आ रही हूँ उनके साथ मैं रह रही हूँ एंड गेट टू नो ऑल ऑफ देम. गुरु तो मैं अपने मॉम डैड को मेरा गुरु बोलूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है. पर मैं जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी तो मैं मुंबई की एक एकेडमी है कोकोबेरी विच ट्रेन गर्ल्स फॉर ब्यूटी पैजेंट्स. तो वहाँ पर जो अलीसा मैम और अंजलि मैम है, अलीसा राउत एंड अंजलि राउत है, हाथ दस एकेडमी, तो मैंने उनसे ही अपना पूरा ट्रेनिंग लिया है. उसी के थ्रू आई वेंट टू मिस इंडिया. वसंतराव देशपांडे यांच्या स्मरणार्थ दक्षिण मध्य विभागीय सांस्कृतिक केंद्र नागपूरतर्फे दरवर्षी डॉक्टर वसंतराव देशपांडे स्मृती संगीत महोत्सव आयोजित केला जातो. या उपक्रमाचे हे 31वे वर्ष आहे. वर्षानुवर्षाच्या या परंपरेनुसार हा सोहळा 28 ते 30 जुलै 2022 या कालावधीत दररोज सायंकाळी 6:30 डॉक्टर वसंतराव देशपांडे स्मृती सभागृह सिव्हिल लाईन्स नागपूर येथे होणार असल्याची माहिती डॉक्टर खिरवटकर यांनी दिली आहे. दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपूर की ओर से विदर्भ के तथा महाराष्ट्र के सुविख्यात गायक डॉक्टर वसंतराव जी देशपांडे, इनकी स्मृति में हर साल एक बड़े संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है. 30 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है. उस दिन को लेकर आजू बाजू में लेकर ऐसे 3 दिन का भव्य आयोजन केंद्र की ओर से हर साल किया जाता है. यह इस साल यह महोत्सव का 31वां साल है. इस साल यह महोत्सव 28, 29 और 30 जुलाई को रोज शाम को 6:30 बजे वसंतराव देशपांडे स्मृति सभागृह में सिविल लाइन्स नागपुर में यह
महोत्सव का आयोजन केंद्र की ओर से किया जा रहा है। समारोह का उद्घाटन 28 तारीख को सुप्रसिद्ध विचारवंत कला प्रेमी तथा वनराई के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गांधी इनके हाथों से होगा। 6 बजे यह उद्घाटन समारोह होगा। केंद्र की ओर से उस दिन ज्येष्ठ साहित्यिक विदर्भ साहित्य संघ नागपुर के अध्यक्ष श्री मनोहर म्हैसाळकर जी को सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि केंद्र की प्रथा है, हर कार्यक्रम में केंद्र द्वारा सीनियर आर्टिस्ट और ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है, उसी कड़ी में यह सम्मान होगा। डॉक्टर गिरीश गांधी जी के हाथों से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 28 तारीख को उद्घाटन समारोह में शहनाई वादन से कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें अभी इतने में ही चेन्नई स्थित श्री बल्लेश भजंत्री, इनको अभी पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है शहनाई वादन में। पंडित उस्ताद बिस्मिल्ला खाल जी के बाद में शहनाई वादन में पद्म पुरस्कार मिलने वाले वो पहले देश के कलाकार हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। उनके शहनाई वादन से कार्यक्रम की शुरुआत होगी तथा उसके बाद दूसरी प्रस्तुति सुविख्यात गायिका मुंबई की डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे, इनके शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी जाएगी। 29 जुलाई को जो शुरुआत का जो कार्यक्रम होगा, उसमें प्रमुख अतिथि के रूप में नागपुर PWD महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के चीफ इंजीनियर श्री दसपुती जी, श्री SD दसपुती जी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा वरिष्ठ गायक और संगीतकार श्री सदानंद पेंडसे, इनको उस दिन केंद्र की ओर से उनका सम्मान किया जाएगा। इस दिन 29 तारीख को 3 प्रस्तुतियां है। इसमें प्रथम प्रस्तुति पुणे की श्रीमती शमा भाटे तथा ग्रुप द्वारा, उनकी चमू जो है उनके द्वारा दी जाएगी कथक बैले के रूप में। पारडी पोलीस स्टेशन मध्ये 2019 मनीष ठाकरे नावाच्या युवकाची बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंद करण्यात आली होती। पोलिसांनी केलेल्या तपासात असे निष्पन्न झाले की त्या युवकाला पारडी परिसरात चाकूने वार करून मारण्यात आले आहे आणि 24 एकर नावाच्या परिसरात त्याचा मृतदेह अर्धवट जळून मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याकरता त्याला जामठा गावाकडे फेकण्यात आलं होतं। युनिट 5 ने या हत्येच्या आरोपीचा शोध घेतला असून आरोपींना अटक करण्यात आली होती, परंतु एक आरोपी पकडण्यात आला नव्हता। पोलिसांनी सोमेश उर्फ सोनू वीर सिंग बेलोरिया या सुमारे 2.5 वर्षापासून फरार असलेल्या आरोपीला अटक केली आहे। API चौधरी, PSI इंगळे यांनी सायबर सेलचे PSI चावळेकर यांच्या मदतीने आरोपीचा पत्ता शोधून काढलाय। आरोपी फरार असून आपला पत्ता सतत बदलत असल्याचे पोलिसांना निष्पन्न झाले होते। पोलिसांनी आरोपीला वर्सोवा मुंबईतून ताब्यात घेतले। हा कुख्यात आरोपी असून त्याच्यावर 7 ते 8 गुन्हे दाखल आहेत। 2019 पारडी पोलीस ठाण्याला एक मिसिंग दाखल झाली होती मोनीश ठाकरे म्हणून युवकाची, आणि त्या मिसिंगच्या तपासात आपल्या युनिट 5 ने असं निष्पन्न केले की त्याला पारडीला एका ठिकाणी चाकूने भोकसण्यात आले, नंतर 24 एकर म्हणून एरिया आहे तिथे त्याला त्याची बॉडी अर्धवट जाळण्यात आली आणि नंतर बॉडीचा विल्हेवाट लावण्यासाठी ते जामठा गावाकडे फेकण्यात आले। तर त्या जागेवर मिळालेल्या हाडं यांचं पृथक्करण झाल्यानंतर आपल्या युनिट 5 नेच तो गुन्हा मर्डरचा गुन्हा उघडकीस आणला आणि त्या मर्गच्या तपासावरून तो खुनाचा गुन्हा दाखल झाला होता। इतर आरोपी अटक झालेले होते, पण हा जो आरोपी आहे आपला सोमेश उर्फ सोनू बिरसिंग बिलोरिया हा सुमारे 2.5 वर्षापासून फरारच चालला होता। याच्या मागावर खूप लागलेलं होतं आणि आपले माननीय CP साहेब यांनी आता ते स्पेशल मोहीम हाती घेतली की मोका आणि MPDA-मधील फरार आरोपी यांना शोधून अटक करा। माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांच्या आदेशाचं पालन करून आपण याचा फॉलोअप घेतला आणि API चौधरी, PSI इंगळे यांनी डाटा ॲनालिसिस करून त्याचे API चौधरींनी PTM नंबर वगैरे मिळवला, तसंच सायबर सेलचे PSI झाडोकर यांची मदत घेतली आणि आम्ही त्याचा फॉलोअप घेत घेत मुंबई इथं पोहोचलो। तो बऱ्याच वेळेस त्याचा ठिकाणा बदलत होता, कधी सुरत, कधी गुजरात, कधी मुंबई, कधी असंच ठिकाणा बदलत होता। तर त्याला काल आपण एक्झॅक्ट लोकेट करून वर्सोवा मुंबई येथून अटक केलेलं आहे आणि हा कुख्यात गुन्हेगार आहे। याच्यावर
394 मर्डरचे 2 असे गंभीर 7-8 गुन्हे दाखल आहेत. नाही हा MPDAचा नाही आहे, हा मोका लागलेला होता, मोका फरार आरोपी होता आणि हे विशेष मोहिमेअंतर्गत आपण त्याला खूप परिश्रम घेऊन अटक केली आहे मुंबई येथून. सदरची कारवाई ही माननीय पोलीस आयुक्त साहेब नितेश कुमार सर यांच्या आदेशान्वये, माननीय रेड्डी सर यांच्या मार्गदर्शनात, नंतर आमचे प्रभारी आता सध्या बसवराज तेली सर, तसंच आमचे ACP रोशन पंडित सर यांच्या मार्गदर्शनात आम्ही ते पार पाडलेले आहे. खापा पोलीस स्टेशन हद्दीत राहणारी 31 वर्षीय पीडितांची नवऱ्याचा व तिचा मित्र 31 वर्षीय सूरज देवीदास धनवटे याच्याशी चांगली ओळख होती. सूरज पीडितला 13 जुलैला गौरवनगर जरीपटका पोलीस हद्दीत असलेल्या आपल्या घरी घेऊन आला होता. पीडिता 20 जुलैपर्यंत गौतमनगरला सूरज सोबत त्याच्या घरी राहिली होती. या घटनेच्या 2 महिन्यानंतर ती गर्भवती असल्याचे कळताच तिने खापा पोलीस स्टेशनला सूरज धनवटे विरुद्ध तक्रार नोंदवली आहे. आरोपीने महिलेला धमकी दिली होती की जर तिने घटनेची माहिती कोणाला दिली तर तिचे व्हिडिओ व फोटो सर्वांना दाखवले जाईल. परंतु खापा पोलीस स्टेशन व जरीपटका पोलीस स्टेशनच्या संयुक्त कारवाईने आरोपीला जरीपटका पोलिसांनी अटक केली आहे. खापा पोलीस स्टेशन हद्दीत राहणारी 31 वर्षीय पीडिता व तिचा मित्र, तिच्या नवऱ्याचा मित्र, तिचा मित्र 31 वर्षाचा सूरज देवीदास धनवटे यांची ओळख होती. त्या ओळखीमधून खापा येथून तिचा मित्र सूरज धनवटे हा गौतमनगर राहणार जरीपटका पोलीस स्टेशन येथे दिनांक 13/5/2022 रोजी तिला घेऊन आला होता आणि दिनांक 20/5/2022 ती गौतमनगर येथे सूरज याच्यासोबत होती. त्यानंतर ती खापा येथे पोलीस स्टेशनला हजर झाली. त्याबाबत खापा पोलीस स्टेशनला मिसिंगची तक्रार आहे, ती हजर झाली. नंतर 2 महिन्यानंतर ती प्रेग्नंट असल्याचे तिच्या लक्षात आल्याने तिने सूरज धनवटे याच्याविरुद्ध प्रथम खापा पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केलेला आहे. खापा पोलीस स्टेशन येथे 0ने गुन्हा दाखल करून तिच्याबरोबर शरीर संबंध आल्यानंतर त्यांनी त्याच्याबद्दल तिला धमकी दिलेली आहे. तू जर तक्रार दिली किंवा घरच्यांना सांगितली तर त्याबद्दल तुझे व्हिडिओचा वापर केला जाईल, सगळ्यांना दाखवण्यात येईल, व्हायरल केलं जाईल. आरोपी हा केटरिंगचं काम करणारा आहे, हॉटेलमध्ये काम करणारा आहे, सध्या काही काम करत नाही. वेळ झाली आहे आता एका छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया विश्रांतीनंतर. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. विश्रांतीनंतर आपलं स्वागत.
टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये भारताला कांस्य पदक मिळवून देणारी बॉक्सर लोवलिना बोरगोहेनने भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशनवर मानसिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे. आसामची बॉक्सर लोवलिना सध्या बार्गिमहेम येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय स्कूल स्पर्धेची तयारी करत आहे. मात्र BAFI तिच्यासोबत गलिच्छ राजकारण करत असल्याचा दावा तिने केला आहे. लोवलिनाने ट्विटरवर एक पोस्ट करत BAFI वर गंभीर आरोप केले आहेत. लोवलिनाने ट्विटरवर लिहिले की आज मी दुःखाने सांगत आहे की माझ्यासोबत खूप छळ होत आहे. प्रत्येक वेळी मी माझे प्रशिक्षक ज्यांनी मला ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवून देण्यासाठी मदत केली त्यांना पुन्हा पुन्हा काढून टाकल्याने माझ्या प्रशिक्षण प्रक्रियेत आणि स्पर्धांमध्ये नेहमी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या प्रशिक्षणापैकी एक सध्या गुरुंजी द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते आहेत. माझ्या 2 प्रशिक्षकांना देखील 1000 वेळा हात जोडल्यानंतर त्यांचा शिबिरात समावेश केला आहे. मला या प्रशिक्षणात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे आणि मानसिक छळही होत. लोवलिना म्हणाली, सध्या माझे प्रशिक्षक सध्या गुरुंगजी कॉमनवेल्थ लिव्हेजच्या बाहेर आहेत आणि त्यांना प्रवेश मिळत नाही आणि खेळाच्या 8 दिवस आधी माझी प्रशिक्षण प्रक्रिया थांबली आहे. माझ्या दुसऱ्या प्रशिक्षकालाही भारतात परत पाठवण्यात आले आहे. माझ्या एवढ्या विनंत्या करूनही हे सर्व घडल्यामुळे मला खूप मानसिक त्रास सहन करावा लागला. गेममध्ये कसे लक्ष केंद्रित करावे हे मला समजत नाहीये. महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यात सोमवारी सकाळी प्रशिक्षण विमान कोसळल्याने 22 वर्षीय महिला प्रशिक्षणार्थी पायलट किरकोळ जखमी झाल्याची माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिली. अधिकाऱ्यांनी जखमी प्रशिक्षणार्थी पायलटची ओळख भाविका राठोड अशी केली आहे. हे विमान कारवार एव्हिएशनचे आहे, ज्याचे मुख्यालय जिल्ह्यातील बारामती येथे आहे. बारामतीतील विमानतळावरून सकाळी उड्डाण केलेले विमान इंदापूर तालुक्यातील कडबणवाडी नजीक कोसळले आहे. विमान कशामुळे पडले याचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. बारामतीत कारवार एव्हिएशन मार्फत महिला पायलट प्रशिक्षण दिले जात होते. आज सकाळी बारामतीतून विमानतळावरून उड्डाण केलेले हे विमान फिरत असतानाच अचानक कडबणवाडी येथील शेतकरी बाराहती यांच्या शेतात कोसळले. नागपुरातील अभ्युदय रुग्णालयात पायसोबतच इतर आरोग्यासंबंधित समस्यांवर ॲडव्हान्स लेझर थेरपीने उपचार केल्या जातात. अत्याधुनिक लेझर मशीनच्या सहाय्याने होणाऱ्या या उपचारामध्ये फार कमी वेळ, खर्च कमी होतो, तसेच कमीत कमी किमतीत हे उपचार होत असून काही वेळानेच रुग्ण आपली दिनचर्या परत सुरू करू शकतो. नागपुरातील अभ्युदय रुग्णालयात मागील 12 वर्षापासून लेझर मशीन बीम मशीन थेरपीने रुग्णांवर उपचार केला जात आहे. लाखो लोकांनी आतापर्यंत उपचाराचा फायदा घेतलाय. आता अभ्युदय रुग्णालयाच्या मणिशनगर येथील शाखेत ॲडव्हान्स लेझर लाईट उपचार सुरू करण्यात आले आहे. यात कॉस्मेटिक लेझर, गायनाकोलॉजी, पोस्ट एकाने स्कार टॅटू रिमूव्हर, परमनंट हेअर रिमूव्हर या सर्व गोष्टींसाठी ॲडव्हान्स लेझर लाईट उपचार उपलब्ध आहेत. या उपचाराचे वैशिष्ट्य म्हणजे या उपचारांमध्ये रुग्णांचा वेळ वाचणार आहे. रुग्ण 10-15 मिनिटाच्या उपचारानंतर आपले काम करू शकतो. यात पेशंटला ॲडमिट होण्याची काहीही आवश्यकता नसते व तसेच कमी किमतीत उपचार केले जातात. या रुग्णालयाला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी पुरस्कार पुणे, राजकृषी सामाजिक युवा पुरस्कार पुणे, महामित्र पुरस्कार प्राप्त आहेत. नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण साहवे, डायरेक्टर अभ्युदय पॉलिस लेजर हॉस्पिटल रामेश्वरी स्क्वेयर और मनीष नगर रोड नागपुर. दर्शकों, आपकी 12 साल से अविरत सेवा हम लोग कर रहे हैं. 12 साल से पाइल्स फिशर, फिशुला, नाली घाव, पायरोनिडल साइनस, प्रोलैप्स रेक्टम आदि बीमारियों में आयुर्वेद के माध्यम से तथा एडवांस लेजर बीम, जिसको बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इम्पेंडेंस ऑटो मेजरमेंट सिस्टम कहते हैं, इन सारी तमाम लेजर के माध्यम से हम सेवा कर रहे हैं. इसमें एड ऑन हम लोगों ने हमारे नए सेंटर पर मनीष नगर रोड पर जो सेंटर है वहाँ पर टैटू रिमूवल, परमानेंट हेयर रिमूवल, PRP ट्रीटमेंट फॉर हेयर्स, हेयर ग्रो के लिए नए प्रकार के लेजर्स, इन सारी तमाम सुविधाओं को हमने इकट्ठा किया है. और ये सब सुविधाएं जो है वो OPD बेस्ड ट्रीटमेंट है. इसमें आपको एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है. OPD बेस आप आ सकते हैं, 10 से 15 मिनट का 20 मिनट का सेशन लेके आप जा सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि अभी वर्षा ऋतु चल रहा है, वर्षा ऋतु में होने वाले पाइल्स की जो बीमारियाँ हैं. पाइल्स वैसे देखा जाए तो पाइल्स यानी गुदा भाग में होने वाली जो मांसांकुर है या वहाँ के गुदावलियों में जो वेंस रहती है वो फूलना, इसको पाइल्स कहा जाता है. इसके 4 प्रकार होते हैं. पहला जिसमें ब्लड जाता है, दूसरा मस्से बाहर आते हैं अपने आप अंदर चले जाते हैं, तीसरा मस्से बाहर आते हैं हाथ से अंदर डालना पड़ता है, और चौथा मस्से हमेशा के लिए बाहर रहता है. वैसे देखा जाए तो बवासीर में दर्द कभी नहीं होता है. पाइल्स इज़ अ पेनलेस कंडीशन. दर्द जो होता है वो आखिरी स्टेज में जब पाइल्स जाते हैं तभी होता है. तो अगर आपको गुदा भाग में मोशन करते समय दर्द हो रहा है तो ज़रूरी नहीं आपको पाइल्स है, आपको फीशर भी हो सकता है. अब ये फीशर क्या होता है? फीशर यानी गुदा भाग में कड़क संदास होने से, हार्ड स्टूल होने से चीरा पड़ता है और उसको फीशर कहा जाता है. और इसी के कॉम्प्लिकेशन स्वरूप आपको
पोस्ट फिशर फिशुला यानी भगंदर या नालीगांव भी वहाँ पर हो सकता है। भगंदर और फिशर में ये विशेषता होती है कि भगंदर में वहाँ से पस या मवाद आता है, इसमें दर्द होता है और निरंतर पस बहने से वहाँ पर ईचिंग और कपड़े आपके गीले होते हैं। फिशर में अत्यधिक प्रमाण में वेदना होती है और पाइल्स में अत्यधिक प्रमाण में ब्लीडिंग होता है। ये तीनों के लक्षण सिंपली भाषा में मैंने आपको समझाया है। तो इन सब तमाम बीमारियों को जांच करने के लिए हमारे यहाँ पर हम एडवांस गुड एंडोस्कोपिक के माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से जांच करते हैं, जिसको वीडियो एंडोस्कोपी कहा जाता है, और उससे कौन सी स्टेज है उसके अनुसार आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर शुरुआत की अवस्था है तो शुरुआती अवस्था में किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की, किसी भी प्रकार के लेज़र की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ पर आयुर्वेद की रिसर्च मेडिसिन बनाई है, जिसमें इनिशियल स्टेज में अगर आप आते हैं, आपका निदान करते हैं, तो आपको दवाई से ही आराम लगता है और आप ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट लेके घर जा सकते हैं। अब रहा जिनकी एडवांस स्टेज है, जैसे पाइल्स थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोग लेज़र के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कोई चीरा नहीं, कोई टाका नहीं, कोई कट नहीं है और कोई काटपीट न होने से वहाँ पर दर्द नहीं होता है। हार्डली 10 से 15 मिनट का ट्रीटमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे यहाँ सैटरडे को आते हैं, संडे को आराम करते हैं घर पे और मंडे को अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं। तो ये ऑफिस प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा दिन आपको एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट भी नहीं रहता है। वैसे ही फिशर और फिशुला में भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब भगंदर की अगर हम बात देखेंगे तो बार बार होने वाले जो भगंदर व्याधि है या फिशुलास है, उसके लिए हमारे यहाँ पर लगभग 10 से 12 प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसमें लेज़र है जिसको फिलैक कहते हैं, जिसमें फिशुला के बाहरी छिद्र से जाके अंदर के छिद्र तक जाकर हम लोग लेज़र से एब्लेशन करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की मसल को काटा नहीं जाता, इसलिए लोगों के मन में जो डर है कि हमारा ऑपरेशन होने के बाद हमारा मांसपेशियों का नियंत्रण खो जाता है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेज़र के माध्यम से आपके किसी भी प्रकार की पेशी को काटा नहीं जाता। इसमें सिर्फ लेज़र की एनर्जी से आपकी जो फिशुला ट्रैक्ट है उसको मात्र एब्लेट किया जाता है, तो ये एक सबसे अच्छा फ़ायदा है। और बार बार होने वाले फिशुला जो है, इसमें हम लोग इफ्टाक नाम की एक पद्धति करते हैं। इफ्टाक यानी इंटरस्पेक्शन ऑफ फिशुला स्ट्रैक एंड शारसूत्र लाइगेशन, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार का आयुर्वेदिक मेडिकेटेड सेटोन होता है, जिसको आयुर्वेद शारसूत्र कहा जाता है, इसका हम एप्लीकेशन करते हैं और ये भी ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, इसमें भी एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम जो है लिफ्ट लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टरिक ट्रैक, एक विशिष्ट प्रकार का ऑपरेशन होता है, वो करते हैं। फिशुलोक्टॉमी का ऑपरेशन लेज़र के माध्यम से करते हैं। तो तमाम जो फिशुला की जो ट्रीटमेंट है, वह उसकी स्टेज देखकर, कौन से प्रकार का फिशुला है, कितने दिन से है, ये जानने के बाद उसके ट्रीटमेंट लाइन अप की जाती है। पर दर्शकों से मेरा यही कहना रहेगा कि आप बीमार होने के बाद तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्लीडिंग होता है, गुद भाग में पेन होता है, दर्द होता है, इसके अलावा जो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी संबंधित मैडम ने आपको बताया है कि जिन महिलाओं को खांसते समय, छींकते समय यूरिन होती है, पेशाब निकलती है, ऐसे महिलाओं को कॉस्मेटिक लेज़र गायनेकोलॉजी का उपचार है। तो ये सब तमाम बीमारियों के लिए लेज़र के माध्यम से हम अभी आराम पा सकते हैं। तो ज़रूरत है जल्द ही आपका निदान करने की और तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने की, जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा। खुद अपने डॉक्टर ना बने, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाए और सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय आयुर्वेद। नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजा प्रवीण सहावे, अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल की संचालिका। पिछले 12 सालों से हम गुद रोग के जो रुग्ण हैं, जिसमें पाइल्स, फिशर, फिशुला, पाइलोनिडल साइनस, इन सभी का अत्याधुनिक लेज़र से उपचार कर रहे हैं। साथ में हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ कॉस्मेटिक लेज़र गायनेकोलॉजी, यह सेवा भी हमने पेशेंट को अभी शुरू की है, जिसमें पेशेंट को भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंट ओपीडी बेस पर आ सकता है और 15 से 20 मिनट में विदाउट एनेस्थीशिया, पेनलेस, ऐसी ये ट्रीटमेंट है जो लेकर पेशेंट चलते चलते ही घर जा सकता है, जिसमें एक पेशेंट को एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट में पेशेंट आए, अपना प्रोसीजर करे और घर जाए हंसते हंसते। अब कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी किस पेशेंट में किया जाता है? जैसे एक से दो बार
महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो वहाँ की जगह जब मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती है, बार बार महिलाओं में होने वाले जो सफ़ेद पानी इन्फेक्शंस हैं, इसमें हम कॉस्मेटिक गायनेक लेज़र करते हैं। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब जो महिलाएं हैं उनको खांसते वक्त, छींकते वक्त या अपने शरीर से भारी वजन उठाते वक्त अपने आप पेशाब निकल जाती है, इन सारों में ही हम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी से लेज़र से हम इसका उपचार करते हैं। और इसी के साथ साथ हेयर रिमूवल, टैटू रिमूवल, जैसे हमको टैटू हमने बना लिया है पर हमको टैटू नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर लेज़र से टैटू रिमूवल कुछ सेटिंग द्वारा हम अरेंज करते हैं कि जिसमें कोई एनेस्थीशिया नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती और पेशेंट हंसते हंसते अपने घर जा सकता है। इस्लामपूर नगर पालिकेच्या शिवसेनेच्या नगरसेविका प्रतिभा शिंदे यांच्या पतीला बेदम मारहाण करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे। शिंदे गटामध्ये सामील होत नसल्याने ही मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप प्रतिभा शिंदे यांनी त्यांचे पती शिवकुमार शिंदे यांनी केला आहे। या प्रकरणी इस्लामपूर पोलीस ठाण्यामध्ये 6 जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे। इस्लामपूर नगर पालिकेच्या शिवसेनेत नगरसेविका प्रतिभा शिंदे यांचे पती शिवकुमार शिंदे यांनी सोमवारी सकाळच्या सुमारास घरातून बाहेर पडल्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी जबर मारहाण केली आहे। त्या मारहाणीमध्ये शिवकुमार शिंदे हे गंभीर जखमी झाले आहेत। हल्लेखोरांनी केलेल्या मारहाणीत शिंदे यांचे हात आणि पाय फ्रॅक्चर झाले आहेत। त्यांना सांगलीच्या भारती हॉस्पिटल येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आलाय। अतिदक्षता विभागामध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। तर हा हल्ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक असणाऱ्या स्थानीय गटांकडून करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेचे नगरसेविका प्रतिभा शिंदे व त्यांचे जखमी पती शिवकुमार शिंदे यांनी केलाय। दरम्यान या प्रकरणी इस्लामपूर पोलीस ठाण्यामध्ये 6 जणांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे। या हल्लेखोरांचा शोध सुरू असून लवकरच त्यांना अटक करण्यात येईल असा विश्वास इस्लामपूर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांनी व्यक्त केलाय। तर VKB मराठी न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात आज एवढंच। उद्या पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत। बघत रहा VKB न्यूज। नमस्कार।